देखिए, हम संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, इस नारा के तहत हम पूरे बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और आगामी जो चुनाव होना है विधानसभा में उसमें हम मजबूती से इंडिया गठबंधन में रहकर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर जिनका जो अधिकार है, जिनका हजारों साल से सैकड़ों सालों से उसका अधिकार नहीं मिला, तो उनको अधिकार दिया जाएगा। आज जैसे निषाद समाज की बात करते हैं तो उनके बहुत सारे नदी तालाब जो है दूसरे लोग कब्जा करके बैठा है, तो निश्चित तौर पे सरकार में संविधान के दायरे में रहकर जो उनके लिए बेहतर पॉलिसी हो सकता है उस पर काम करेंगे। राज्य कैसे आगे विकसित हो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य में कैसे हमारे राज्य के युवा दूसरे प्रदेश में ना जाए, उस अपने प्रदेश में कैसे उसको रोजगार मिल सकता, कैसे हमारे राज्य में फैक्ट्री लगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके पहल में हम लोग काम करेंगे। तो तमाम ऐसे बहुत सारे पॉलिसी है उसके ऊपर हम लोग हमारे राज्य कैसे आगे बढ़े उसके ऊपर काम करेंगे। आप सबको जानकारी होगा कि हम इसी प्रदेश से 18 साल की उम्र में बॉम्बे जैसे शहर गए, वहाँ मामूली 900 रुपया महीने पर नौकरी करते करते मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिए, एक बेहतर काम कर रहे थे, आज बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर बिहार आए हैं। अपने ज़िंदगी में 930 रुपया रोज़ पर मजदूरी करने के बाद आज बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, महलों में रह रहे थे, हम अपनी ज़िंदगी में इतनी ऊँचाई हमने हासिल किया। उसी तरीके से जब राज्य में हमें मौका मिलेगा तो उस तरीके से हम लोग राज्य में अपनी कैसी बेहतर पॉलिसी होगा, जैसे पशुपालन में हम कैसे, हमारे राज्य में अभी 15 लाख लीटर दूध होता है पर डे, और दूसरे प्रदेश में अगर महाराष्ट्र में जाइए तो एक दिन में 2 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जबकि हमारे पास हरियाली है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास चारा है, उसके बावजूद भी हम इतना आगे नहीं है। जिस जो महाराष्ट्र जो पहाड़ पर बसा हुआ है वहाँ पर इतना संसाधन है कि वहाँ पर 2 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, आप समझ लीजिए कि कितना हम पीछे हैं। तो आने वाले समय में ये सारे चीज़ पर हम लोग काम करेंगे ताकि हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारे राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके। और मजबूती से अभी हम निकले हुए हैं कि संगठन कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग काम करने के लिए निकले हैं। 40 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी कितने सीट पर चुनाव? निश्चित तौर पे हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन 243 सीट है, हमारी हर सीट पर हमारी तैयारी होनी चाहिए और मैक्सिमम सीट हम लोग गठबंधन में जीतेंगे। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बने। तो उसी हमारे नारा है कि जब हम 4 विधायक जब हमारे बने थे तो आने वाला समय में 40 कैसे बने उसका हम सपना देखते हैं, उसके बाद आने वाले समय में 100 विधायक कैसे बने उसका सपना देखते हैं। तो जब सपना देखेंगे तो निश्चित तौर पर साकार होगा, जब सपने नहीं देखेंगे तो साकार क्या होगा। तो हम अपनी मजबूती आने वाले समय में जमीन पर बूथ पर दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी। सवाल है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होता है हर एक गठबंधन में जो जब चुनाव आता है तब लोग करते हैं, पहले से क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई? इस बार जो आपके समस्या है उस पर हम बहुत जल्दी हम लोग गंभीरता से बात कर रहे हैं। आने वाला समय में बहुत जल्दी जिस तरीके से पटना में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है उसी तरीके से आने वाले समय में जिला में कमेटी बनेगा और आने वाले समय में जितने भी कार्यक्रम होगा इंडिया गठबंधन के बैनर तले काम होगा। धन्यवाद। हो गया।